नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह, दिस इज टीनू नबास। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिल्पा व्यूज। तो गाइस, आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है करतारपुर कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्रेस अपडेट 3 जुलाई 2019। 3 जुलाई तक कितना अपडेट हुआ है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है कॉरिडोर की, करतारपुर कॉरिडोर की। और हमने काफ़ी सारा देखा है कि बहुत फास्ट उसमें काम हो रहा है। और तुम्हें पता है करतारपुर कॉरिडोर का? हाँ, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। जैसे कि जो कॉरिडोर बन रहा है करतारपुर साहिब जाने के लिए, है ना, तो उसी का ही इसमें देखने के लिए मिला है कि कितना फास्ट काम हो रहा है पाकिस्तान के साइड में, ठीक है, ताकि इंडिया से जो हमारे पंजाबी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग वहाँ पर दर्शन करने जा सके, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिख कम्युनिटी के लिए ये जगह। और हम लोग समझ सकते हैं कि गुरु नानक साहिब ने अपने लास्ट के 20 ईयर्स वहाँ पर स्पेंड किए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगों की मन की, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे होता है चार धाम की यात्रा करना, तो उनका होता है कि वहाँ पे जाना है हमको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये है जो सेंटर में है ना। ऑलरेडी बना हुआ या फिर गुरुद्वारा तो बना हुआ है, लेकिन अब इतने सारे लोग आएंगे वहाँ पे उनको रुकने का। और जैसे अपना ये गोल्डन टेंपल है, उस टाइप का बन रहा है। इस वक्त हमारे पास सरोवर का काम 100% कंप्लीट हो चुका है। जो भी उसका सिविल काम है, जितना भी आरसीसी वर्क है, वो 100% कंप्लीट हो चुका है। सरोवर के अंदर जो टाइलें इंस्टॉल करनी है, जो टाइलों की फिक्सिंग करनी है, वो टाइलें हमने ऑर्डर किया हुआ है। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और 2 मंथ वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। जी, मेरा नाम है जी जितेंद्र सिंह। कल रात असं गए सी जी 50 साल के दर्शन करने तो बाद गुरद्वारा साहब श्री करतारपुर साहब विखे, जिथे कि बहुत ही वधिया तरीके नाल पाकिस्तान गवर्नमेंट वालों जंगी पद्धर ते काम किया जा रहा है कोरीडोर नूं खोलण दा। सारा असी उत्थे वेख के बहुत खुश होए कि जो साडी अरदास है सिख संगतां दी हमेशा, कि जिन्हां गुरधामां नूं सिख पंथ तों विछोड़िया गया उन्होंने खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान सानूं मिले। सो खुले दर्शन दीदारां दे कारण कोरीडोर दा काम जिहड़ा चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़े वधिया तरीके नाल कर रही है। सो असीं आस करदे हां, अरदास भी करदे हां, उम्मीद भी रखदे हां कि छेती तों छेती उह लांघे खुल्लण ते पंजाबी इक दूजे नूं खुले हो के मिलण अते इक दूजे नाल प्यार वधे, सत्कार वधे। यही साड़ी दुआ है जी, यही साड़ी अरदास है। कोर्टयार्ड के मामले में बताता चलो तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक खास क्वालिटी का वाइट कलर का मार्बल लेकर आना एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए थी। वो भी इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 weeks उसकी इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगी। कोर्टयार्ड के अलावा जो है दर्शन देवरी, लंगर खाना, मेहमान खाना है, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं और एडमिन बिल्डिंग है, रेजिडेंसियाँ हैं, इन तमाम बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम जो है साथ साथ जारी है। बिल्डिंग वर्क के हवाले से बताता चलूँ तो हमारा ऑलमोस्ट 70% to 80% बिल्डिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिल्डिंग की फिनिशेस की तरफ है। मेरा नाम प्रभजीत सिंह है जी, कैनेडा तो आया। करतारपुर गुरुद्वारा इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, वेरी वेलकमिंग बेस्ड ऑन what we guys been struggling around at the international level when it comes to world peace. Very good initiative by Pakistan government. Sikhs are minority in Pakistan, but the way they've been dealt with, it's a phenomenal. I would like to say thank you to the Pakistan government for taking Sikhs as a first class citizens, and we've been honored, felt so proud to be here. I would definitely be here again. जो ग्रेनाइट और मार्बल की इंस्टॉलेशन है वो इन प्रोग्रेस है। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ मेरे पीछे भी मैसन लगे हुए हैं, जो कि डोर की जो आर्चेज आनी है उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, और डोर के पार्टीशन बिल्डिंग में जितने भी पार्टीशन वाले हैं, ब्रिक वर्क है, लेबर वर्क है, वो इन प्रोग्रेस है। रोड के हवाले से बताता चलूँ तो 0 पॉइंट से लेकर शकरगढ़ रोड तक हमारा रोड कम्प्लीट हो चुका है। ब्रिज का काम 100% कम्प्लीट हो चुका है, गाइड बैंक का है और प्रोटेक्शन वर्क्स हैं वो भी साथ साथ हमारा जारी है। इलेक्ट्रिकल वर्क है, सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, प्लम्बिंग के काम हैं, ये सारे एक्सटर्नल सर्विसेज हैं, ये काम साथ साथ हमारा जारी है।
उसके अलावा गुरु साहब का जो खास एरिया था खेती साहब का एरिया, उसकी डेवलपमेंट भी जारी है। उस एरिया में हमने एक बहुत बड़ा खंडा साहब को डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर काम जारी है। और उसके अलावा कोर्ट यार्ड में एक जो है 150 फुट से ज़्यादा ऊंचा जो है हम निशान साहब के इंस्टॉलेशन शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसकी इंस्टॉलेशन भी निशान साहब की शुरू हो जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी नूं पता है कि 28 नवंबर 2018 इत्थे करतारपुर साहब की पवित्र धरती ते साडी पाकिस्तान की सरकार ने साडे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब और साडे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जिहड़े कि सिखां दे हीरो हन, उन्होंने आके इत्थे कोरीडोर का उद्घाटन किया, करतारपुर साहब लांघे का उद्घाटन किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस वीडियो की राही जिस तरह सेवा चल रही हैं, आ दासा ने आप जी नूं बार बार आके इस करतारपुर साहब इस जो जो सेवा चल रही है वो दर्शन कराए हैं। अज 27 जून 2019 है, तकरीबन 7 महीने होए हैं उद्घाटन हुए नूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज सुन के तुहानूं खुशी होएगी कि हुण इंडिया जीरो लैन तो लैके, इंडिया के बार्डर तो लैके संगत अगर अज भी आना चाहन तो पाकिस्तान की सरकार वालों ना से काम कंप्लीट हो गया है। 7 महीने के अंदर कितना काफी काम, बहुत ज्यादा काम कंप्लीट। और अभी भी आ सकते हैं लोग, ऐसा नहीं बोला। हाँ। इतना काम हो गया कि लोग आ सकते हैं, और वो भी 7 महीने। उतों रोड ते चढ़न ते करतारपुर साहब आके रोड तो उतर सकते हैं। पुल साड़ा थ्रू हो गया है, रोड साड़ा बन चुका है। मेरा नाम सुखवीर सिंह है जी। असी उत्थे जाके आए जी कल। वो एक ऐसा रस्ता है जिहदे नाल दोनों पंजाब का आन जान खुला होएगा जी। दोने पंजाब, वो भी पंजाब ते ए भी पंजाब मिलनगे। जिहड़ियां लोकां दे अंदर तांग है एक दूजे नूं मिलन दी, बहुत सालां तो लोग बिछड़े हुए ने, वो मिलनगे। दूसरा है कि सिख जगत लई जो ये गौरमेंट वो रस्ता खोल रही है, बड़ा पैसा लग रहा जी उत्थे, उहदे लई सिख जगत लई एक बहुत बड़ा माण दी गल है जी। उन्हां लई जिहड़े इत्थे दे गुरधाम हन जी, सिक्खी दा धुरा हन, ननकाणा साहब, पंजा साहिब ते अपने करतारपुर साहब, उन्हां दे दर्शन, खुले दर्शन दे दारे जो असीं अरदास विच भी कहिंदे हाँ जी हर वार, के जिहड़े गुरधाम सिक्खी तों विछड़े, पंथ तों विछड़े हन जी, उन्हां दा खुले दर्शन दे दारे बख्शो। वह खुल जाण नाल बड़े खुले दर्शन दे दारे होणगे जी। बड़े धनवादी हाँ इन्हां गौरमेंट्स दे। जिहड़ा करतारपुर साहब गुरु घर दी एक्सटेंशन है, उसका भी तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो गया। जिहड़ियां बिल्डिंगां दा ढांचा सी, बिल्डिंगा का स्ट्रक्चर से, जो बिल्डिंगा के जो जो भी शामिल है, उस दे विच गेट हैं साढ़े दोनों पासियां, वो गेट भी तैयार हो गए हैं। सरोवर भी कंप्लीट हो चुका है, लंगर हाल है वह भी कंप्लीट हो चुका है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आज लंगर भी मिलेगा, देख लोगे तकरीबन जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंगा का कंप्लीट हो गया है। और बिल्डिंगा की अंदरली जी कंप्लीशन है, जी फिनिशिंग है, जोड़ा गुरु बिल्डिंगा के अंदर काम होने हैं, वो काम बकाया रह गए हैं। और मैं अकाल पुरख वाहगुरु अगे और गुरु नानक पातशाह जी अगे मेरी आस है कि जो साड़ी पाकिस्तान की सरकार ने वादा किया हुआ है, असी उससे पूरे उतरेंगे। काम की स्पीड को देखते हुए यहाँ पर हमने इस वक्त छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर मिला के 70 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर, मुख्तलिफ कंपनियाँ जिसमें लेबर के हैं, मटेरियल सप्लायर्स हैं और उसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। 70 से ज़्यादा इस वक्त वो काम कंपनियाँ काम कर रही हैं। उसके अलावा जो हमें मज़ीद भी चाहिए तो हम उनसे भी दिन रात रबते में है। कोर्ट यार्ड के हवाले से बताता चलूँ तो कोर्ट यार्ड के हवाले में टोटल इस वक्त 16 इसके पैनल्स हैं। 16 पैनल्स में से आलमोस्ट 12 पैनल्स के जो है हमने कंक्रीट आरसीसी स्लैब कर ली है, बाकी 4 पैनल्स बाकी हैं। उन 4 पैनल्स के हवाले से खासकर कुछ एरिया ऐसा है जिसमें कुंवर साहब, अमृत कुंव मौजूद हैं और उसके अलावा आम का दरख्त है, आम साहब मौजूद हैं, उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी एक प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व कर सकें। उसके ऊपर हमारे डिज़ाइनर्स ने बारहा टाइम यहाँ पर विज़िट किया है, दिन रात कैनस पार्क से उसका एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन लेकर हम उसको प्रिजर्व कर लें। मेरा नाम जी मनदीप सिंह धालीवाल, मैं कैनेडा तो आया हुआ इतने। बहुत ज़्यादा धन्यवाद हाँ पाकिस्तान अवाम का, गवर्नमेंट इमरान खान का, जिन्होंने 1500 एकड़ सानू उत्थे करतारपुर विच जगह दिती है शमूलियत करन दे लई। साढ़े लिए बहुत वड्डा खुशी का टाइम आ कि उन्होंने सानू गुरुद्वारे साहब लिए 1500 एकड़ दिता।
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਰਡਰ ਟਰਮੀਨਲ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੋ ਬਾਰਡਰ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾ ਵਰਕ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਸਭ ਬੇਸ ਵਾਟਰ ਬਾਉਂਡ ਕਾ ਕਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪੇਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮਿਨਾਡ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰੋਮਿਨਾਡ ਪੇ ਸਭ ਬੇਸ ਕਾ ਕਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋ ਬਾਰਡਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਪੇਵਰਸ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਔਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਹਮ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਇਸ ਕੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲੁੱਕ ਮੇਂ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤੋ 70% ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਨਿਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਖਿਆਲ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਲ ਕੋ ਡਰੇਨੇਜ ਕੇ ਵਕਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਬਨੇ। ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹਮੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹਮਾਰੀ ਲੇਬਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਸਕੀ ਹਮ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਦੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी तो ये थी वीडियो। तुम्हें तो आता है ना पूरा पंजाबी अच्छे से, ए टू ज़ेड समझ? हाँ। पूरा समझ आया होगा? समझ आया है बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? मुझे मतलब क्या क्या पता चला इसमें? ये कि ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान तक का, जो करतारपुर साहिब इधर बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए, कि जो इंडिया में सिख हैं जो करतारपुर साहिब विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलेंगे तो उनमें और प्यार बढ़ेगा। और सबसे मेन बात और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि 7 महीनों के अंदर 80% काम कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और आई होप जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो और नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह हाँ उनका जो भी आने वाला है बर्थडे, उस तक ये काम कंप्लीट हो जाए।
ये कौन सी वाली एनिवर्सरी होगी उनकी, बर्थडे होगा ये? आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है कि 500 होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वो हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई फिगर आ रहा है जिसके रीज़न, मतलब जिसकी वजह से, मतलब दोनों तरफ से ये टारगेट सेट किया गया है कि हाँ ये वाले उनके बर्थडे पे कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पे दर्शन करने की मौका मिले आने का। तो ऐसा है तो वो एक टारगेट रखा है। जो भी कुछ है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग कमेंट में क्लियर कर देना अगर आप लोग को पता है। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना, और अगर आप इंडिया से देख रहे हो और अगर आप एक्साइटेड हो यहाँ पर जाने के लिए तो ज़रूर बताना, और पॉसिबल होगा तो हम लोग भी कभी ना कभी तो दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। और वीज़ा वहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी डाउट है। वीज़ा मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा, अगर वीज़ा लेके ही जाना होता तो फिर हम पूरा वाघा बॉर्डर घूम के चले जाते हैं ना। कॉरिडोर की क्या जरूरत है, कॉरिडोर मेरे ख्याल से आई थिंक बनाया है इसलिए कि विदाउट वीज़ा लोग इजीली वहाँ जा सकें। सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर की वजह से क्या होगा, सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कम में भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक सीधा सा रोड होगा और रोड के साइड साइड में सिक्योरिटीज होगी थोड़ी बहुत, और लोग वहाँ गुरुद्वारे जा सकते, गुरुद्वारे से वापस जाना पड़ेगा उनको। और ये गुरुद्वारा भी ऐसी जगह पर है कि पूरे खुले ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, आसपास कोई गांव या सिटी वैसा नहीं है कि सिटी वीडियो के लोग वहां जाके गायब हो जाएं। सुबह जल्दी वीडियो को आप लोग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।